हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं हमारे साइबर पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टैली के बारे में। टैली जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट भी है, कोपा के अंदर आता है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सिस्टम NCBT जो एग्जाम करवाती है उसके अंदर ही टैली एक सब्जेक्ट भी आता है। और टैली एक सिंपल सा कोर्स भी होता है, आप चाहें तो 5 से 10 दिनों में टैली का कोर्स भी कर सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमने टैली के कोर्स करवा चुकी है, तो आप वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या तो अगर आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं टैली के लिए खास करके, तो आपसे जो पूछे जा सकते हैं, तो वो सब क्वेश्चनों की बात करेंगे। कम से कम यहाँ से हमने 40 से 50 क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं क्योंकि टैली बहुत छोटा सा कोर्स है, 5 से 10 दिन काफ़ी हैं एक अच्छे स्टूडेंट को करने के लिए। तो अगर आप कोपा का एग्जाम है आपका या कंपटीशन एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें। ये वही सब क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी इंटरव्यू लेते हैं तो एक आध क्वेश्चन टैली से भी हम पूछ लेते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय, टैली पैकेज जो है डेवलप्ड किया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है टैली पैकेज। तो मैं आपको बता दूं, चार ऑप्शन है, पेट्रोनिक्स, टैली सॉल्यूशन, कोरल सॉफ्टवेयर, वेडिका सॉफ्टवेयर। अगर जो हमारे यूजर रेगुलर वीडियो हमारा देखते हैं तो उनको पता होगा, मैंने बताया भी था, टैली पैकेज जो डेवलप्ड किया गया है टैली सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसका पहले जो नाम था पेट्रोनिक्स था, उसका नाम बदल के टैली सॉल्यूशन रख दिया गया, इसके लिए आंसर हो जाएगा इसका टैली सॉल्यूशन, ठीक है। तो टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन, वन का बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर भी है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के आंसर को देख भी सकते हैं, ठीक है, या तो मैं बता रहा हूँ आपको आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, कंपनी रजिस्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन, कंपनी रजिस्टर ऑप्शन जो है ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल किसमें है, ठीक है। कंपनी रजिस्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन, चार ऑप्शन आपके पास हैं, कंपनी फीचर, कंपनी इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कहता है कि मान लीजिए कि अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी रजिस्टर का ऑप्शन आपको किसके अंदर मिलेगा। तो अगर आपने टैली यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी रजिस्टर ऑप्शन जो है कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर मिलता है, ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन टैब के अंदर आप जब जाते हैं तो आपको कंपनी रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो 2 का B इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, इन जनरल द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम शैल बी फ्रॉम, कहता है इन जनरली में जो है फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से शुरू होता है कंपनियों में, जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है, मैंने आपको बताया भी था, फिर से जान लेते हैं, कंपनियों में जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, ठीक है। किसी भी साल का पहला जो अप्रैल का पहला दिन होता है, उस दिन से जो है आपने देखा होगा बैंक भी जो मार्च क्लोजिंग चलती है, क्योंकि उस दिन सारे के सारे पुराने ईयर्स के सारे चीजों को खत्म किया जाता है, फिर अप्रैल से जो है अप्रैल से नया सेशन शुरू करते हैं वो लोग, ठीक है। आपने सुना होगा बैंक में मार्च क्लोजिंग चल रही है तो मार्च के बाद अप्रैल ही आता है, तो अप्रैल से एक नया साल का शुरुआत होता है किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो 3 का A आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में, वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कंपनी, हम कहते हैं कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग, जैसे मान लीजिए आपने टैली में पहले से कोई कंपनी आपने एग्जिस्ट करके रखा है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे मॉडिफाई, किस ऑप्शन में जाएंगे, ये पूछना चाह रहा है किस ऑप्शन में जाएंगे। तो आप अगर कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर अल्टर रहता है, कंपनी इन्फो के अंदर जाएंगे, उसके अंदर अल्टर रहता है, वहां से आप कंपनी के नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कंपनी नाम को बदल सकते हैं, या तो कंपनी का नाम अगर गलत हो गया तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो 5 का A राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर में देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, टू चेंज करेंट डेट फ्रॉम गेटवे, कहता है चेंज करने के लिए करेंट डेट जो है, To change current date from gateway of tally, press the key. कहता है कि अगर आपको current date change करना है gateway में tally से, तो आप क्या shortcut की press करेंगे? तो आपके option है F1, F5, F2, F9. तो आप F2 अगर press करते हैं, F2 एक shortcut की होता है यहाँ पे, F2 function की F2 अगर press करते हैं, तो आपका current date change हो जाएगा, ठीक है? ये
करंट डेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डेट कोई और है, अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो अपने आप करंट डेट हो जाएगा, जो भी आज का डेट हो रहा होगा वो डेट में आ जाएगा, ठीक है। सिक्स का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन नंबर में, पार्ट अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू, पार्ट अकाउंट जो है कैन बी क्रिएटेड, पार्ट अकाउंट किसके द्वारा बनता है आपको बताना है। पार्ट अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू, तो ग्रुप क्रिएशन विंडो, लेजर क्रिएशन विंडो, तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, इन्वेंट्री क्रिएशन विंडो, एनी ऑफ देम। तो आपको बता दूं कि पार्ट अकाउंट जो है कैन बी क्रिएटेड थ्रू लेजर क्रिएशन विंडो, ठीक है। लेजर क्रिएशन विंडो द्वारा पार्ट अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है। लेजर क्रिएशन टेली के अंदर ऑप्शन रहता है, ये सब बहुत ही आसान है। अगर आप टेली का वीडियो देखना चाहते हैं तो टेली का वीडियो देख सकते हैं जाके। वैसे आप आपको टेली आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप वीडियो को देखें, आप इंटरव्यू में जाके पूरी तरह से आप पास कर जाएंगे, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं टेली से। तो पार्ट अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू लेजर क्रिएशन विंडो, सेवन का बी। एट नंबर में, अ लेजर में गेट डिक्लेरेशन स्पेस फॉर इट्स एलियास थ्रू, लेजर में गेट, तो आपका ऑप्शन है F12, F11, Alt+F1, Alt+F2, ठीक है। तो लेजर, एक लेजर जो होता है मेक ए डिक्लेरेशन, अगर आपको एक लेजर को डिक्लेरेशन स्पेस देना है एलियास के थ्रू, तो आप इसके लिए शॉर्टकट कहते हैं F12 वगैरह दबाते हैं तो आप एक डिक्लेरेशन स्पेस दे सकते हैं एलियास के थ्रू, ठीक है। एट का राइट आंसर ए हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अब है F12 की इज नॉन एज, F12 की जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको किस नामों से भी जाना जा सकता है। तो F12 को कंपनी कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, F12 को कंपनी कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। तो F12 का दूसरा नाम कंपनी कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी इंटरव्यू में कई बार पूछा है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। और कोपा के प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, F12 की इज नॉन एज कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, नाइन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेली वॉल्ट पासवर्ड, कहता है टेली वॉल्ट पासवर्ड के लिए क्या यूटिलिटी होती है, क्या योग्यता है। टेली वॉल्ट अगर पासवर्ड आपने लगाया है तो उसके लिए क्या योग्यता है, क्या ये कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इट विल लॉक द पीरियड ऑफ कंपनी, इट विल लॉक ऑल वाउचर एंट्रीज फ्रॉम दैट कंपनी, इट विल नो सो द कंपनी नेम इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट, डी नन ऑफ दिस। तो ये कहना चाह रहा है टैली में अगर वॉल्ट पासवर्ड लगाते हैं तो आपको बता दूं कि ये जो है कंपनी का जो नेम जो है कंपनी के लिस्ट में शो नहीं करेगा, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने कंपनी का नाम पहले से इसमें स्टोर किया है तो अगर आप पासवर्ड लगा देते हैं तो किसी और बंदे को उस कंपनी का नाम शो नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही शो करेगा पासवर्ड जो आप डालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। वी कैन शो बिल वाइज डिटेल्स ऑफ डेबिटर्स and creditors by activating, कहता है we can show bill wise details, हम लोग दिखा सकते हैं bill wise details of debitor and creditor, debitor और creditor का by activating, क्या activate करके, क्या हम activate करके हम दिखा सकते हैं bill wise detail debitor और creditor का, ठीक है, जिसने जमा किया जिसने निकाला दोनों का हम bill wise detail कैसे दिखा सकते हैं, क्या activate करना पड़ेगा। तो आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि maintain bill wise details, अगर bill wise detail को maintain करना हो तो अगर हम इसको activate कर दें तो ये जो है अपने आप दिखा देगा, ठीक है, दोनों का। तो 11 का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। 12 नंबर में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इज, टैली से अगर आपको बाहर आना हो, अगर आप उससे एग्जिट होना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या अपनाएंगे आप, नहीं अगर टैली को आप पूरी तरह से एग्जिट होना चाहते हैं उसके लिए आप शॉर्टकट अपनाएंगे Ctrl+Q, Ctrl+Q अगर आप प्रेस करते हैं तो आप टैली से बाहर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टैली से बाहर हो जाते हैं। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 में देखते हैं क्या है। अ लेजर कांट बी डिलीटेड, एक लेजर जो है डिलीट नहीं किया जा सकता इफ इट इज कैरिंग ओपन बैलेंस, कहता है लेजर को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे यदि वो ओपन है कैरिंग ओपन बैलेंस, अगर कैरिंग ओपन बैलेंस आपका ओपन है टैली में तो आप लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। ये सही है गलत आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है, देख सकते हैं आपने लिखा भी है, ट्रू है पूरी तरह से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। हाउ मेनी इनबिल्ट अकाउंट ग्रुप आर इन टैली बाय डिफॉल्ट, कहता है कि इनबिल्ट अकाउंट ग्रुप कितने होते हैं टैली में, इनबिल्ट जो है इनबिल्ट अकाउंट ग्रुप कितने होते हैं टैली में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इनबिल्ट जो है बाय डिफॉल्ट टैली में 29 अकाउंट ग्रुप होते हैं, टैली में 29 अकाउंट ग्रुप होते हैं इनबिल्ट, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आया भी है, टैली में जो है ना इनबिल्ट जो अकाउंट ग्रुप 29 होते हैं, 29 याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके साथ 15 में द शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन कहता है कि अगर यदि आप टैली में कैलकुलेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या अपनाएंगे आप। दिस मीन्स इफ यू वांट टू ओपन अ कैलकुलेटर और एक्टिवेट अ कैलकुलेटर इन द टैली सॉफ्टवेयर विच शॉर्टकट की यू प्रेस यू हैव टू आंसर दैट। ओके, तो 15 का बताएंगे आप। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन अगर आप प्रेस करते हैं तो आप कैलकुलेटर को एक्टिवेट कर पाएंगे टैली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 15 के बाद 16 में, सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड इज अंडर, सस्पेंस अकाउंट ग्रुप जो है किसके अंडर डिफाइन होता है, तो सस्पेंस अकाउंट ग्रुप किसके अंदर आता है आपको ये बताना है। तो सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इनकम के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, इनकम के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ 17 में, टू एक्टिवेट एमआरपी फीचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इनिशियली वी नीड टू प्रेस, कहता है टू एक्टिवेट एमआरपी फीचर टैली में गेटवे के अंदर एमआरपी फीचर अगर एक्टिवेट करना हो तो हमें किस को प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो किस चीज को प्रेस करने की जरूरत पड़ी आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, F11 अगर आप दबाते हैं, फंक्शन की है, F11 अगर आप दबाते हैं तो एमआरपी फीचर एक्टिवेट हो जाता है टैली के अंदर। 17 का ये आंसर याद रखेंगे। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें। मैन्युफैक्चरिंग जनरल क्रिएट्स बेस्ड ऑन जो होता है किसके बेस्ड पे होता है, तो आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन है जनरल, रिसिप्ट नोट, स्टॉक जर्नल, परचेज कोटेशन। ठीक है, तो आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो है जर्नल के बेस्ट होता है। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर में, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। टू एक्टिवेट जॉब कॉस्टिंग को एक्टिवेट करने के लिए विच ऑप्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्टिवेटेड, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट पहले से होना चाहिए जॉब कॉस्टिंग को एक्टिवेट करने के लिए, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग बोथ ए एंड बी, और डी जो है नन ऑफ दीज है, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूज कॉस्ट सेंटर फॉर द जॉब कॉस्टिंग। कहता है यदि आपको जॉब कॉस्टिंग को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट पहले से रखना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर अगर आपका एक्टिवेट है तो आप जॉब कॉस्टिंग एक्टिवेट कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20 में, मल्टीपल गोडाउन आर एक्टिवेटेड फ्रॉम, कहते हैं मल्टीपल गोडाउन। आप भी जानते हैं कि टैली में हम लोग गोडाउन, लेजर्स, ये सब वगैरह, अकाउंटिंग, ये सब काम करते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल गोडाउन एक्टिवेट करना हो टैली के अंदर, एक से ज्यादा अकाउंट एक्टिवेट करना हो, तो आपको कौन सा शॉर्टकट की अपनाना पड़ेगा आपको वो बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन पहले देख लें, ये जो है F11 इज ग्रेटर देन F2, अगर आप ये प्रेस करते हैं तो आप मल्टीपल गोडाउन एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 ग्रेटर देन F2 अगर प्रेस करते हैं तो आप मल्टीपल गोडाउन एक्टिवेट कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ 21 में, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स है प्रीडिफाइंड लेजर कितने होते हैं टैली के अंदर, आपको ये बताना है कि टैली के अंदर जो प्रीडिफाइंड लेजर कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टैली के अंदर प्रीडिफाइंड टू लेजर्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर टू, देयर आर टू प्रीडिफाइंड लेजर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके साथ 22 में, देखते हैं टू प्रिंट अ वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस, कहता है कि अगर आपको वाउचर टैली में वाउचर अगर प्रिंट कराना हो तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप टैली में वर्क कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि टैली में वाउचर को प्रिंट करने के लिए आपको अल्ट प्लस पी प्रेस करना पड़ता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कंट्रोल प्लस पी है, शिफ्ट प्लस पी है, अल्ट प्लस पी है, देख सकते हैं यहाँ पे सी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्ट प्लस पी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 23 में, वी कैन सी वर्किंग कैपिटल फिगर चेंजिंग, कहता है कि हम लोग वर्किंग कैपिटल फिगर अगर चेंज करना हो तो वी कैन सी वर्किंग कैपिटल फिगर चेंजिंग, तो हमको इसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताना है। तो आपका चार ऑप्शन है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशन, लेजर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये जो है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है कि वी कैन सी वर्किंग कैपिटल फिगर चेंजिंग इन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 24 में,
इनपुट वैट आउटपुट वैट लेजर क्रिएटेड अंडर विच अकाउंट, कहता है इनपुट वैट और आउटपुट वैट लेजर अकाउंट जो है किसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं, इनपुट वैट और आउटपुट वैट, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, इनपुट वैल्यू एडेड टैक्स और आउटपुट वैल्यू एडेड टैक्स लेजर क्रिएटेड अंडर विच अकाउंट, किस अकाउंट के अंदर क्रिएट होंगे। आपके पास ऑप्शन है ड्यूटीज, सेल्स, परचेज, वैट, तो आपको बताना है 24 का, तो मैं आपको बता दूं ये जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आप इनपुट वैट और आउटपुट वैट लेजर क्रिएट कर पाएंगे। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 25 में। अलाउ कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स ड्यू एम बॉम, ऑप्शन इज एक्टिवेटेड 4। अलाउ कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स जो है ऑप्शन किसके अंदर एक्टिवेट होता है, आपको ये बताना है 25 का, तो मैं आपको बता दूं ये जो कॉस्ट कैटेगरी के अंदर डिफाइन होता है, कॉस्ट कैटेगरी के अंदर ये आता है, तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 26 में। देखते हैं वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रिशिंग, वी कैन रिपीट नरेशन, हम कहते हैं कि नरेशन जो है हम लोग रिपीट कर सकते हैं किसको प्रेस करके, नरेशन जो रिपीट कर सकते हैं किसको प्रेस करके, मैं आपको बता दूं अल्ट प्लस आर जो है, अल्ट प्लस आर प्रेस करके आप नरेशन रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 26 का राइट आंसर बी। थोड़ा स्पीड चलेंगे, वीडियो लंबी चली जाएगी नहीं तो। डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन, कहता है डिस्काउंट कॉलम किसके अंदर अवेलेबल होता है, आपको बताना है डिस्काउंट कॉलम टैली के अंदर, डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन, तो मैं आपको बता दूं ये सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस एंड परचेज इनवॉइस दोनों के अंदर डिस्काउंट कॉलम अवेलेबल होते हैं। डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन सेल्स इनवॉइस एंड परचेज इनवॉइस, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा 27 का सी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं के साथ 28। वी कैन नॉट कैंसिल अ वाउचर यूजिंग, कहता है हम लोग किस में से क्या यूज करके वाउचर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाह रहा मतलब कि वाउचर को जो अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको आपको कैंसिल करना है, तो डी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप बताएंगे वी कैन कैंसिल अ वाउचर यूजिंग, हम लोग वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं क्या यूज करके, तो मैं आपको बता दूं अल्ट प्लस एक्स को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप वाउचर को कैंसिल कर पाएंगे। 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर वी कांट सेलेक्ट कैश इन जनरल, कहता है कि हम लोग जो है सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 29 में क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कैश इन जनरल वाउचर, हम लोग जनरल वाउचर में कैश को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये सही है गलत आपको बताना है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम लोग जो है जनरल वाउचर में कैश को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कैश को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 30 में। टू क्रिएट सिनेरियो विच ऑप्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्टिवेटेड, कहता है सिनेरियो को एक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, सिनेरियो को एक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे यूज रेव डॉट जनरल ऑप्शनल वाउचर इन F12, यूज ऑप्शनल वाउचर इन F11, यूज रिजर्विंग रिवर्सिंग वाउचर इन F11, विच यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर इन F11, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए आपको यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर इन F11 आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सिनेरियो क्रिएट कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 31 में। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर वी कैन गेट फ्रॉम, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर, कहता है ऑप्शनल वाउचर जो है वी कैन गेट फ्रॉम, ऑप्शनल वाउचर को हम कहाँ से गेट कर सकते हैं, कहाँ से हम देख सकते हैं, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है अकाउंट बुक के अंदर होता है, ऑप्शनल वाउचर जो है किसके अंदर होता है, अकाउंट बुक के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है कि अकाउंट बुक के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये आप देख पाएंगे, तो इसका राइट आंसर 31 का सी हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन है कैश बैंक बुक एक्सेप्शनल रिपोर्ट बैलेंस शीट एंड अकाउंट बुक, तो इसका राइट आंसर अकाउंट बुक हो जाएगा 31 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके साथ। सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर, कहता है सिंगल एंट्री जो मोड जो है, सिंगल एंट्री मोड किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल एंट्री मोड किसके लिए एप्लीकेबल है, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, तो सिंगल एंट्री मोड जो है तीनों के लिए एप्लीकेबल है, रिसिप्ट वाउचर के लिए भी, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए भी एंड पेमेंट वाउचर के लिए भी, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एब थ्री हो जाएगा, ठीक है, सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 33 में। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है टू हाइड नहीं होगा, टू हाइड होगा, ठीक है, हाइड मतलब छिपाना, टू हाइड द नेम ऑफ द कंपनी यू नीड टू डिफाइन, कहता है कि कंपनी के नाम को
हाइड करने के लिए आपको क्या डिफाइन करने पड़ेगा? मान लीजिए आपने कंपनी का नाम डाल दिया, आप चाहते हैं कोई यूजर ना देख पाए उसे, दूसरा यूजर, सिर्फ मैं ही देख पाऊँ अपनी कंपनी का नाम, उसको हाइड करने के लिए आपको टैली में क्या लगाना पड़ेगा? तो मैंने अभी तुरंत बताया था आपको, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि टैली वॉल्ट पासवर्ड, टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर आप लगाते हैं तो आप अपने कंपनी का नाम हाइड कर सकते हैं कंपनी के लिस्ट से, ठीक है, कंपनी का नाम हाइड कर पाएंगे। यहाँ देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली ऑडिट, क्रिएट अ लिस्ट वन यूजर एंड टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो जाहिर सी बात है 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड से आप कंपनी के नाम को हाइड कर पाएंगे, 33 का राइट आंसर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा गया ये। 34 में देखते हैं, टू डिक्लेयर अ वाउचर एज पोस्ट डेटेड प्रेस, टू डिक्लेयर अ वाउचर, टू वाउचर को डिक्लेयर करने के लिए पोस्ट डेटेड प्रेस, क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको वाउचर को डिक्लेयर करने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, वाउचर को डिक्लेयर करने के लिए कंट्रोल प्लस टी आपको प्रेस करना पड़ेगा वाउचर को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35 में, वी कैन स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर प्रेसिंग, कहता है कि हम लोग स्विच कर सकते हैं एक अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर में, क्या प्रेस करके? अगर आप एक अकाउंटिंग वाउचर में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसको इन्वेंट्री वाउचर में स्विच करना, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप F11, यदि आप F11 प्रेस करते हैं तो आप एक अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर में स्विच कर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 36 में देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। गुड्स रिटर्निंग टू अ क्रेडिटर, कहता है गुड्स को, अगर सामान को आपको क्रेडिटर को रिटर्न करना हो आफ्टर चलान, चलान के बाद, चलान जो आप कटवाते हैं चलान के बाद, बट बिफोर बिल वी नीड टू पास, लेकिन बिल से पहले हमें क्या पास करना होता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें रिजेक्शन आउट, कि वो सामान रिजेक्ट हो गया है, उसके लिए रिजेक्शन आउट पास कराना होता है, तभी जाके आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं क्रेडिटर को चलान के बाद, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रिजेक्शन आउट। 37 में देखते हैं, टू यूज DR अपॉन CR इंस्टीड DR या CR, डेबिटेड या क्रेडिटेड, इसका फुल फॉर्म हुआ, इंस्टीड ऑफ टू और बाय के जगह DR CR यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग वाउचर एंट्री और वाइस वर्सा प्रेस, इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? आपको बताना है कि टू और बाय के जगह DR या CR आपको यूज करना हो तो आप क्या प्रेस करेंगे? तो आपको बता दो, इसके लिए भी आप F11 प्रेस करेंगे, यदि आप F11 प्रेस करते हैं तो टू या बाय के जगह DR या CR आप यूज कर पाएंगे। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से देखें। यहाँ पे टू अल्टर अ मास्टर वाइल मेकिंग एन एंट्री, टू अल्टर अ मास्टर वाइल मेकिंग एन एंट्री और व्यूइंग अ रिपोर्ट, कहता है मास्टर को अल्टर करने के लिए वाइल मेकिंग एन एंट्री और व्यूइंग अ रिपोर्ट, जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं या रिपोर्ट बना रहे हैं, एंट्री भर रहे हैं, तो आप अल्टर कैसे कर सकते हैं? आपको बताना है अल्टर, आपको यानी चेंजेज कुछ करने हैं तो कैसे कर पाएंगे? तो आपको बता दूं, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर अगर आप प्रेस करते हैं तो आप उसको चेंजेस कर पाएंगे, अल्टर कर पाएंगे उसको। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 39 में देखते हैं, टू शो द चेक नंबर वाइल रिकंसलिंग बैंक अकाउंट प्रेस, ठीक है, टू शो द चेक नंबर को शो करने के लिए, तो चेक नंबर को देखने के लिए, शो करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, सिंपली ये कहना चाह रहा है। तो 39 का बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी F12 अगर आप प्रेस करते हैं तो आप चेक नंबर देख पा सकते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ, 40 में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेजर ग्रुप्स एंटिटीज एंट्रीज ETC कैन बी सॉन फ्रॉम, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लेजर ग्रुप्स और एंट्रीज किसके अंदर सॉन होते हैं, किसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है टैली ऑडिट, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से टोटल नंबर ऑफ, यहाँ आप क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ लेजर ग्रुप्स एंट्रीज ETC कैन बी सॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स में जो है सांख्यिकी, जिसका हिंदी होता है, स्टैटिस्टिक्स में आप टोटल नंबर ऑफ लेजर ग्रुप्स एंट्रीज ETC देख सकते हैं। तो ये थे आपके 40 बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई, क्योंकि मुझे समझाना भी था आपको, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद याद भी रह सके, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देने की, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप देख लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। खासकर जिनका एग्जाम है, जैसे भी कोपा का एग्जाम चल रहा है, तो वो जरूर वीडियो देखें। कोई अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं,
टेली का, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।